शेष जो उनका जेल जाना रहा है, जेल जाने का जो समय रहा है, जो टेन्योर रहा है, वो टेन्योर छोड़ के उनका पूरा मंत्रिमंडल को वो आक्षेप लगा रही है कि पूरा मंत्रिमंडल बिना काम कर रहा है, वो उनको अपने दायित्व निभाने नहीं आया है। उनके मुख्यमंत्री जिन्होंने उन्होंने नामित किया, जो मंत्रिमंडल रहा, वो कोई काम करने के योग्य नहीं है, ये बात वो लगा रही है। वो खुद अपनी गवर्नमेंट को उंगली उठा रही है। दादा, चुनाव आयोग के विजिट के बाद ये तय माना जा रहा है कि चुनाव का बिल्कुल कभी भी बच सकता है, आपकी तैयारी क्या है और सीटों को लेकर क्या बातचीत? हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। आज मैंने पहले भी कहा कि इस बार हम हमारे सहयोगी दल के साथ हम सभी लोग मिलकर लड़ रहे हैं, तो हमारा निर्णय कभी भी एकल किसी एक सीट के व्याप में आएगा नहीं, राज्य के व्याप में, राज्य की जनता के लिए हम पूर्ण रूप से समर्पित भाव से हम आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने राज्य के, चूँकि रीजनल दल है और हमेशा मैं राज्य के लिए लड़ा, मेरे पार्टी ने राज्य के लिए सपने देखे, सपनों को साकार करना मेरी प्राथमिकता है। आज के दिन में जो गैप्स हैं, जो लोकलिटीज़ के जो इश्यूज़ हैं, लोकल के इश्यूज़ हैं राज्य में, चाहे वो मैं हमेशा कर रहा हूँ, यहाँ के युवाओं का जो इश्यूज़ है, युवा के लिए जो कार्यक्रम चलने चाहिए, यहाँ के किसान, यहाँ की नीतियों पर जो बात काम होना चाहिए, बिल्कुल सा जीरो हो गया। 5 साल ने झारखंड को 10-15-20 साल पीछे ढकेल दिया है। अब फिर से झारखंड को, झारखंड के पूरे विश्वास को समेट कर झारखंड को आगे ले जाने की चुनौती है और हर वर्ग की चिंता हमारे पास है और उसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। 19 का चुनाव बोर्ड के डिवीज़न से परिणाम अनुकूल नहीं रहा, लेकिन इस बार हम पूर्ण कह सकते हैं लोगों की भावना के साथ कि एक बड़ा जीत की ओर एनडीए जाएगा और एनडीए बड़ा जीतेगा। सर, सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं पार्टी के लिए, मतलब कितनी बड़ी चुनौती है? सरकार की योजनाएं पार्टी के लिए चुनौती कहीं भी खड़ा करने की स्थिति में नहीं। सरकार है इसलिए सरकार दिख रहा है, वरना इस योजना से मेरे लोगों के जीवन में कितना फर्क आएगा, किसी एक व्यक्ति एक परिवार से जाके देखना, इसका आंकड़ा को देखो, 33 रुपया से परिवर्तन आ जाएगा। अगर 5 साल में सरकार ये कहती कि मेरी यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, मैंने कुछ काम नहीं किया, मैंने मैया योजना लाया, मतलब एक परिवार का मैं 33 रुपया का एक योगदान महिलाओं को देने का मात्र काम किया है, आप सोच सकते हो ऐसी सरकार के लिए झारखंड के लोग क्या कल्पना करेंगे। दादा, सीजीएल परीक्षा जो संपन्न हुआ उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, बकायदा इंटरनेट भी 2 दिन बंद रखा गया कि नाकाम है, सरकार नाकाम है एग्जाम लेने में। उन्होंने खुद साबित कर दिया लोगों की मौलिक अधिकार को, जितनी भी गतिविधि आज नेट के माध्यम से होती है सारी गतिविधियों को बंद कर दिया। नेट से आप सभी लोग जानते हैं डिपेंडेंसी कितना ज्यादा बढ़ गया, एक लर्निंग स्टूडेंट भी नेट के माध्यम से अपनी पढ़ाई पढ़ रहा है, एक बिजनेस उसी के माध्यम से चल रहा है, लोगों के टिकट उसी के माध्यम से बनते हैं, कई मरीजों का इलाज उसी के माध्यम से होता है। नेट आज जीवन का आधार बना है, आपने पूरे लोगों के जीवन का आधार को आपने ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद एक एग्जाम आपने कराया। आप सोचो कि आपके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, जो सरकार एक एग्जाम नहीं करा सकती वो सरकार राज्य चलाने के लिए कितने काबिल है, ये जनता जरूर इस पर निर्णय लेगी। नहीं, आप री एग्जामिनेशन के पक्ष में है दादा? री एग्जामिनेशन के पक्ष में है कि दोबारा परीक्षा? मैं इसको उस रूप से देखा ही नहीं, यानी मेरे पास कोई इस तरह का आवेदन आया नहीं, ना किसी ने मेरे पास कहा है कि इसमें कोई सब्जेक्ट आया है, इस तरह की कोई गलतियाँ हुई है। राज्य के मूलतः बड़े एजेंटों पर हमारा काम चल रहा है, मैं कह रहा था कि मेरी मुलाकात 2-3 स्तर पर चल रही है। हमारा मात्र सीट शेयरिंग के ऊपर नहीं, बल्कि राज्य के ज्वलंत विषय, जो सबसे बड़ा चुनौती है राज्य के अंदर में, वो सामाजिक चुनौतियां हो सकती है, वो यहाँ के यूथ का भविष्य चुनौती है, यहाँ के लोगों का मौलिक अधिकार का जो हनन हुआ है वो एक चुनौती है। तो सभी स्तर पर एक राजनेता के रूप में जो ऐसे विषय जो हमारे एजेंडे में होना चाहिए, ऐसे विषय जो केंद्र स्तर पर जिसका निष्पादन हो सके होना है, ऐसे विषयों को लेकर हम लगातार चर्चा शीर्ष नेताओं से कर रहे हैं। क्योंकि हमारा रीजनल एजेंडा हमारा आएगा, मैं 9 सूत्र के साथ हम सभी लोग जो महाधिवेशन में हम लोगों ने चर्चा किया था राज्य के विषयों पर, आप देखे होंगे, बिल्कुल उसी के आसपास रहेंगे। क्योंकि राज्य गठन में हम लोग ने जिस बुनियादी विषय पर जोर दिया था वही विषय हमारा एजेंडा होगा और उसी एजेंडे के साथ हम आगे जाएंगे। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अनाउंस होने के बाद तय होगा या फिर पहले भी हो सकता है? नहीं, हमारा उस तिथि से कोई मतलब नहीं, वो तिथि तो हमें चुनाव आयोग बताएगा थोड़ी कि मैं आज कर रहा हूँ, वो अचानक से किसी दिन बोलेंगे आज मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो परिपाटी रही है और हम लोग को सुनाई देगा कि आज ये तिथि को चुनाव होना है। हम दोनों दल बैठ के अनुमानित रूप से आगे बढ़ रहे हैं, अनुमानित रूप से हमारी कोशिश है
कि हम लोग पहले एक ज्वाइंट प्लेटफॉर्म में आए जो आपको दिख रहा है, और उसके साथ साथ हम लोग ज्वाइंट एजेंडा को हम लोग कैसे कौन कौन एजेंडा को हम लोग साध सकते हैं, किस एजेंडा के साथ हमको जाना चाहिए, और गवर्नमेंट की नाकामी ही हमारा आगे आने का रास्ता सरल करेगा। ये लोकसभा में चुनाव से पहले ही एनडीए की रणनीति रही थी, ये घोषणा कर दी गई थी सीटों की, तो इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है? हो सकता है, मैं लगातार ये निर्णय में देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी इस पर, और आजसू के लिए तो कोई नहीं है, आजसू जहाँ चुनाव लड़ती है 5 साल पहले लोगों को पता रहता है कि मेरा कैंडिडेट कौन आने वाला है। बीजेपी गोगो दीदी योजना ला रही है, अच्छी बात है और वो ला रही है, और योजनाएं जितना मेरे प्रदेश और मेरे लोगों के लिए आएगा मेरा उतना बेहतर, मेरे लोगों का जीवन स्तर को सुधारने में होगा।